Students, welcome back to my channel Haridwar Pathshala. So today we are doing a new chapter of your English Marigold, that is chapter Rip Van Winkle. So let's start the story. Rip Van Winkle, ये क्या है person का name है. पूरी जो story है वो हम Rip Van Winkle के बारे में ही पढ़ेंगे. तो सबसे पहले story start करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये किस nature का है. Rip Van विंकल का नेचर क्या है. दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन. ये किसके बारे में स्टोरी है? रिप वैन विंकल के बारे में. ये बहुत अच्छा इंसान है, नेचर वाइज बहुत अच्छा है, बट लेजी, पर क्या है, आलसी बहुत है. हु गोज अवे इन टू द हिल्स एंड फॉल्स एस्लीप. ये क्या गया, एक बार हिल पर गया, एक माउंटेन पर गया, छोटी सी चोटी पर गया और वहां जाके क्या हो गया, सो गया बहुत गहरी नींद में. व्हेन ही अवेकन्स 20 ईयर्स लेटर, उठा तो कितने साल हो गए थे, 20 साल, 20 ईयर्स, यानी कि ऐसा सोया कि 20 ईयर्स बाद ये उठा. रिप फाइंड्स दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज. तो जब ये 20 साल बाद अपनी नींद से जागा तो इसने देखा अपने आसपास बहुत कुछ बदल चुका था. सो Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountain was a little village. बहुत साल पहले फुटहिल माउंटेन कैटस्किल पर एक छोटा सा गांव था. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. और वहाँ कौन रहता था उस विलेज में? बहुत ही सिंपल लाइफ जीने वाला, बहुत ही अच्छे नेचर का, जिसका नाम क्या था, रिप वैन विंकल रहता था. ही वॉज अ काइंड नेबर, रेडी टू हेल्प एनी वन. इतना अच्छा पड़ोसी भी था कि अगर किसी को भी कभी भी जरूरत पड़ती तो ये बिल्कुल उसकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहता. एवरी वन इन द विलेज लाइक्ड हिम. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम. और सब रिप वैन विंकल को बहुत पसंद करते थे, उसके आसपास, उसके पड़ोसी, उसके घर वाले, और सब उसको देख के बहुत खुश हो जाते थे, स्पेशली बच्चे. जैसे ही उनको देखते बच्चे कि रिप वैन विंकल आ रहा है, खुशी से इंथुजियाज में झूमते गाते. क्यों? क्योंकि बच्चों के साथ रिप वैन विंकल खेलता भी था. ही द विलेज द He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. वो उनके साथ खेलता, उनको पतंग उड़ाना सिखाता, उनके साथ marbles खेलता और उनको अच्छी अच्छी stories भी सुनाता. The only problem with Rip was that he was very lazy. बस एक ही problem थी Rip के साथ, वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा आलसी था. He did no work on his own farm and just idled away his time. वो अपने ही फार्म पर कोई काम नहीं करता था और सारा समय, आइडल मतलब खाली, अपना सारा समय अपने फार्म पर खाली बैठकर ही बिता देता था. His fence were falling to pieces, his cows was going astray. जो उसके फार्म्स के आसपास फेंस लगी हुई थी वो टूट टूट के गिर रही हैं, उसको कोई मतलब नहीं है. जो उसके फार्म की काउस थी वो इधर उधर चली गई, उसे कोई मतलब नहीं कि उनको पकड़ लाऊं. वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, जंगली जो पौधे हैं जो है उसके फार्म में वो उग गए हैं, वीड्स लग गए हैं, यानी कि कीटनाशक लग गए हैं उसके फार्म में, उसको कोई मतलब नहीं है. रिप कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ. उसका एक साथी था डॉग, जिसका नाम क्या था, वुल्फ. डॉग का नाम वुल्फ था. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इन टू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. तो काम ना करना पड़े, ठीक है, अपने काम को इग्नोर करके वो क्या करता था, हमेशा जंगलों में चला जाता था अपने डॉग को लेकर. वन डे रिप जस्ट वॉक ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन. एक दिन रिप चलता चला गया और एक माउंटेन की बहुत ऊंची चोटी पर पहुंच गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वेन ही रीच देयर. दोपहर हो गई थी, बहुत ज्यादा उसे गर्मी लग रही थी, बहुत ज्यादा थक चुका था. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग. और वहां वो बैठ गया अपनी थकान मिटाने के लिए और दिन में ही सपने देखने लगा. इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच हिज विलेज. और दिन में सपने देखते देखते वहां अपनी थकान मिटाते मिटाते इतना समय बीत गया, उसको रियलाइज हुआ कि अब तो शाम हो गई है और अगर मैं अभी चलूंगा तो घर पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी. सो सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. अचानक से उसको वहां से एक आवाज आई
और वो आवाज़ क्या चिल्ला रही है, उसका नाम चिल्ला रही है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टूवर्ड हिम विद अ बैरल। तो वो देखता है उसके पास एक छोटा सा हाइट का, एक छोटी हाइट का एक बूढ़ा व्यक्ति आया जिसके बहुत घने बाल थे, ग्रिजल्ड बियर थी और बहुत बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी थी। वॉकिंग टूवर्ड विद हिम बैरल, और अपने साथ एक बैरल लेके उसके उसके तरफ बढ़ रहा है। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। अब रिप जो है वो उनको देखते ही भागा उनकी मदद करने के लिए। टुगेदर दे रीच अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन प्लेइंग नाइन पिंस। और उसकी मदद करने के लिए वो भागा तो जहाँ उनको छोड़ना था वहाँ उनको लेके गया, तो उसने देखा कि उसी ओल्ड मैन की तरह और भी बहुत सारे ओल्ड मैन हैं शॉर्ट हाइट के, जो कि क्या कर रहे हैं, नाइन पिंस खेल रहे हैं। ठीक है, ये गेम का नेम है। दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। और वो सारे एक ही एज के हैं, शॉर्ट हाइट के हैं, और सबकी दाढ़ी है, सबकी दाढ़ी क्या है, अलग अलग कलर्स की है और अलग अलग शेप्स की है, जिसे आप फिगर में देख भी रहे होंगे, इतने सारे ये शॉर्ट मैन, ओल्ड शॉर्ट मैन। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वर साइलेंस। वो चाहे खेल रहे हैं पर उनके फेसेस क्या एकदम सीरियस, एकदम बहुत ही सीरियसनेस दिखाकर अपना गेम वो खेल रहे हैं और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स विच इकोड इन द माउंटेन लाइक थंडर। और सिर्फ वहां किसकी आवाज गूंज रही है, बॉल की। नाइन पिंस पता है कैसा गेम होता है आपको, कि ना इस तरीके से जैसे पिंस हैं, ये पिंस रखते हैं हम और बॉल्स उन पिंस को शूट करके एक साथ गिराना होता है, तो बस बॉल की ही आवाज आ रही है उधर माउंटेन में, गूंज रही है एकदम थंडर की तरह, एकदम आंधी तूफान की तरह बॉल की आवाज गूंज रही है। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टार्टेड एट स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज। जैसे रिप और वो जो ओल्ड मैन जिसकी रिप हेल्प कर रहा था वो वहां पहुंचते हैं, तो सारे जो मैन हैं वो अपना गेम खेलना बंद कर देते हैं और रिप को और उस ओल्ड मैन को एकदम टुकटुकी लगा के देखते हैं। फिक्स्ड गेज मतलब कि एकदम टुकटुकी लगा के किसी को निहारना, किसी को देखना। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। अब रिप उनको सबको देख के घबरा गया, डर गया कि ये कैसे हैं, एक तो छोटे हैं ऊपर से ओल्ड मैन है और सब कैसे गेम खेल रहे हैं। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट ऑफ द बैरल इन टू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। और फिर उनके जो साथी थे ओल्ड मैन के, उन्होंने कुछ ग्लासेस दिए रिप वैन विंकल को पीने के लिए, कहा इसको पियो। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेवलिंग विथ फियर। और रिप डरा हुआ था, उन्होंने कहा पियो तो वो पी गया। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इन टू डीप स्लीप। और वो इतना थका हुआ था क्योंकि वैसे इतनी लंबी चढ़ाई करके आया था और ऊपर से फिर उसने ओल्ड मैन की भी हेल्प करी तो ज़्यादा थक गया, तो वो उसने दो चार ग्लासेस वहाँ पी लिए। और जैसे उसने वो ग्लासेस पिए वो एक गहरी नींद में सो गया। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। और जब वो उठा तो उसने देखा कि मैं कहाँ हूँ, जहाँ सबसे पहले मैंने ओल्ड मैन से मिला था। ही रब्ड हिज आइज, इट वॉज ब्राइट सनी मॉर्निंग श्योरली। अब जब हम जागते हैं तो हम अपनी आंखों को मुदलते हैं ना, अपनी आंखों को रब करते हैं, तो वो भी करता है और देखता है कि काफ़ी सुबह हो चुकी है, बहुत सनी मॉर्निंग है। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट थॉट रिप। तो रिप सोचता है शायद मैं पूरी रात यहाँ नहीं सोया क्योंकि उसे कुछ याद नहीं है ढंग से। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ। वो आसपास अपने वुल्फ को देखता है, वुल्फ कौन है, उसका पेट डॉग। बट ही वॉज नाउ वेयर, पर वो कहीं नहीं दिखता। रिप विसल्ड फॉर हिम, वुल्फ वुल्फ, वो उसके लिए सीटी बजाता है उसको बुलाने के लिए, उसका नाम चिल्लाता है, वुल्फ वुल्फ कहाँ हो तुम। ही देन शाउटेड, नो डॉग वॉज टू बी सीन, पर उसको अपने आसपास अपना डॉग, अपना पेट नहीं दिखता है। वेयर वॉज हिज डॉग गॉन। वो सोचता है मेरा डॉग कहाँ चला गया। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। चारों तरफ ढूंढता है, अपने आप से बात करता है कि मेरा डॉग कहाँ चला गया। अब उसे नहीं कहीं मिलता है तो वो सोचता है कि मेरे को यहाँ से अपने गाँव वापस जाना चाहिए।
As he near the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. जैसे ही वो अपने विलेज के पास गया तो वहाँ बहुत सारे लोगों से मिला पर उनमें से किसी एक को भी वो नहीं जानता था. The villagers also stared at him equally surprised. और जितने भी विलेजर्स थे उसको भी वो ऐसे ही देख रहे थे सरप्राइजली होके, ये कौन नया इंसान आया है हमारे मोहल्ले में. हु इज दिस मैन, ये आदमी कौन है, उनमें से इंसान बोलता है. आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर. तो दूसरा कहता है मैंने भी आज से पहले इस आदमी को यहाँ नहीं देखा. लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस, इसको देखो इसकी कितनी बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी है, इसके चेहरे पर कितनी झुर्रियाँ हो गई हैं. ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज एस्टॉनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग एंड इट वॉज ऑल वाइट. अब उनकी बात सुन के जो रिप है वो सोच में पड़ता और ऐसे ही चिन पर अपना हाथ लगाता और वो महसूस करता है अरे मेरी तो इतनी बड़ी दाढ़ी उग गई है, वो भी वाइट कलर की, वो भी मेरे घुटनों तक. एन ओल्ड वुमेन वॉक्ड अप टू हिम, उनमें से फिर एक बुजुर्ग महिला उसकी तरफ चल के आती है. लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, और रिप की तरफ देखती है. देन शी एक्सक्लेमेड इट इज रिप वैन विंकल, फिर वो उसे कहती है अरे ये तो रिप वैन विंकल है, वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर. वो उनकी कौन है, पुरानी कोई नेबर थी. वो कहती है वेलकम बैक, वेयर हैव यू बीन सिंस 20 ईयर्स. वो उनसे पूछती है कि तुम पिछले 20 सालों से कहाँ थे. तो यानी कि वो उसने जो उन छोटे ओल्ड मैन ने, शॉर्ट ओल्ड मैन ने उसको जो ड्रिंक दी थी उसमें कुछ ऐसा मिला हुआ था कि वो उसको पी के क्या हो गया, लंबी गहरी नींद में सो गया. और जब वो उठा तो वो 20 साल बाद उठा, और जब वो क्या हो चुका था, एक यंग मैन से एक ओल्ड मैन में कन्वर्ट हो चुका था. तो ये थी हमारी स्टोरी रिप वैन विंकल. होप यू लाइक द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. थैंक यू स्टूडेंट.